फिरोजाबाद में नगर विधायक मनीष असीजा के तीसरी बार विधायक बनने पर उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को नगर विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के आशीर्वाद पैलेस में नगर विधायक मनीष असीजा के तीसरी बार विधायक बनने के बाद उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को नगर विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उनके अल्पाहार की भी व्यवस्था रखी गई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक मनीष असीजा के बेटे ऋषि असीजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले तो फिरोजाबाद की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे। बाकी जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं वे विधायक जी के तीसरी बार विधायक बनने के बाद आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ये कार्यक्रम जो आप लोग देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह जो विधायक जी के लगातार तीसरी बार विधायक करने के बाद बनने के बाद आयोजित हुआ है। अब इस कार्यक्रम का महत्व मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत जो भी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आप आसपास देखेंगे जो भीड़ है यहाँ पर, ये सभी वो लोग हैं जो दिन रात सुबह शाम मतलब खाए पिए बिना कड़ी धूप में इन्होंने एक भी दिन नहीं लगाया जिस दिन विधायक जी के साथ ही चले हुए। कई बार कई जगह होता है, देखिए विधायक जी के पास सीमित समय होता है, एक जगह गए तो कई जगह नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन एक कार्यकर्ता ने कहा कि भाई हम मनीष असीजा का प्रतिनिधित्व करेंगे, हर एक गली हर एक मोहल्ले में हम पहुंचते थे, ये कार्यकर्ता हमारे लिए सारी योजनाएं सारे लोगों को इकट्ठा करके विधायक जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाते थे लोग। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।